दिल्ली में कल हुई हिंसा के बाद आज राजधानी में शांति है और दिल्ली पुलिस ने अब तक 22 एफआईआर इसमें दर्ज कर ली है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी की खबर नहीं है। हिंसा में 150 से ज्यादा पुलिस वालों को चोटें आई हैं और आज सुबह दिल्ली के 2 मेट्रो स्टेशन लाल किला और जामा मस्जिद की एंट्री बंद। इसके अलावा NH9 NH24 से गाजियाबाद जाने के रास्ते बंद हैं। वहीं मिंटो रोड से कनॉट प्लेस का रास्ता भी फिलहाल के लिए बंद है। ये खबर आम जनता के लिए है, ये रूट फिलहाल बंद है, इन पर जाने से आपको बचना होगा। इसके अलावा NCR में इंटरनेट स्लो है, काफी स्पीड कम है और ये इसीलिए किया गया है सुरक्षा के लिहाज से, ताकि ऐसे असामाजिक तत्व अपने गंदे इरादों को कामयाब ना कर ले। ठीक है, अब सीधे रुक कर लेते हैं क्योंकि न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम लगातार तैनात है। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ आप देख रहे हैं जुड़े हुए हैं और गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद है प्रभाकर मिश्रा। आपके पास आते हुए देखिए, ये सब इसलिए किया गया है प्रभाकर ताकि कोई भी गलत मैसेज वायरल ना हो जाए। मेट्रो स्टेशन बंद है, इंटरनेट की स्पीड भी कम कर दी गई है और ये जरूरी है प्रभाकर मिश्रा। निश्चित तौर पर, और इसे एक तरह से कहें कि सरकार ने कल की घटना से सीख ली है, लेकिन एक बात और है वो ये कि आज दिल्ली के आसपास रहने वाले लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसका असर ये होगा कि जो किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली के आसपास के लोगों के मन में जो सिंपैथी थी वो कम होगी। कल की तस्वीरें जो हैं उसने नुकसान किया इसका, किसान आंदोलन को। और अब ये दिल्ली जो जाने वाली सड़क है और दिल्ली से आने वाली सड़क, उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है। नतीजा ये हुआ कि जो सुबह ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो परेशान हैं, तो जब परेशान होंगे तो उनके मन में आंदोलन के प्रति सिंपैथी वो कम होगी। और मैं अगर गाजीपुर की बात बताऊं तो गाजीपुर रोज की तरह, कल और परसों को छोड़कर रोज की तरह गाजीपुर की स्थिति है, इस बॉर्डर की स्थिति है, लेकिन लोगों के मन में जरूर कुछ बातें हैं। लोग स्तब्ध हैं, जो यहाँ किसान हैं उन्हें भी लगता है कि जो कल हुआ है वो कुछ अच्छा नहीं हुआ है। इन्हें भी लगता है कि जो आंदोलन 60 दिन तक इतना शांतिप्रिय रहा वो कल की एक घटना ने इस आंदोलन को बदनाम कर दिया। दोषी कौन है जांच होगी, लेकिन जहां पर किसान बार बार दुहाई दे रहे थे और देश की सबसे बड़ी अदालत ने ही बात कही थी विपनेश जी, कि जब तक आंदोलन शांति प्रिय है तब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो जो शांति प्रिय आंदोलन का टैग था और ऐतिहासिक था, आजाद भारत में एक ऐसा आंदोलन था जो 60 दिन तक आंदोलन चला और अहिंसक था, उसे कल की घटना ने, तब तक वो आंदोलन था प्रभाकर मिश्रा, लेकिन कल आंदोलन जैसा कुछ भी नहीं था। कल वहां किसान नजर नहीं आ रहे थे।